नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवस में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों कारणों के विषय में। आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि केशव मिश्र ने आपको बताया कि जो कारण होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कारण होते हैं, और ये जो तीन प्रकार के कारण होते हैं विद्यार्थियों, उन तीन प्रकार के कारणों में पहला समवाय कारण, दूसरा असमवाय कारण और तीसरा निमित्त कारण। ये कारण हैं, कौन से समवाय, असमवाय और निमित्त। तो जो समवाय कारण है वह आपने पढ़ लिया था, जिसका लक्षण था यद संवेदन कार्य उत्पद्यते तद समवाय कारण। अब देखिए असमवाय कारण को बताते हैं कि असमवाय कारण उच्यते, कि जो असमवाय कारण होता है उसको कहते हैं कि यद संवाय कारण प्रत्यासन्नम अवृत सामर्थ्यम तद असमवाय कारणम, कि यत माने जो समवाय कारण प्रत्यासन्नम के समवाय कारण के समीप अवृत सामर्थ्यम और जो सामर्थ्य को धारण करता है तद असमवाय कारणम, वह क्या कहलाता है, असमवाय कारण कहलाता है। क्या कहा विद्यार्थियों कि देखिए किसको कहते हैं असमवाय कारण, असमवाय कारण उसको कहते हैं देखिए क्या कहा है कि अब जो समवाय कारण में प्रत्यासन्न अर्थात निकट संबंध से रहता है और जिसकी कार्य के प्रति सामर्थ्य निश्चित होती है, जिसमें कारण का लक्षण घटित होता हो, समवाय कारण है। जैसे तंतु संयोग पटस्य, तंतु संयोग पटस्य असमवाय कारणम, क्या कहा देखिए, असमवाय कारणम उच्यते, असमवाय कारण को कहते हैं। यत समवाय कारण प्रत्यासन्नम, कि जो समवाय कारण में निकट संबंध से रहता है, और अवधृत सामर्थ्यम और जो कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है, क्या कहा, अवधृत सामर्थ्यम तद असमवाय कारणम, उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, असमवाय कारण कहते हैं। जैसे यथा तंतु संयोग पटस्य असमवाय कारणम, कि जैसे तंतुओं का संयोग पट का असमवाय कारण होता है, और तंतु संयोगस्य गुणस्य, कि जो तंतु संयोग है वह क्या है, गुण है। पट समवाय कारणेषु तंतुषु, कि जो पट के समवाय कारण होते हैं तंतु, उन तंतुओं में गुणीषु, उन गुणों में संवेदत्वेन, संवेद रूप से समवाय कारणे प्रत्यसन्नत्वात्, समवाय कारण में निकट संबंध होने से अनन्यता सिद्ध नियत पूर्व भावित्वेन, के दूसरी जगह सिद्ध नहीं होने से और नियत पूर्व भावी होने से पटम प्रतिकारणत्वात्, पट के प्रति कारण है। अब देखिए इसको मिटाते हैं, हम निमित्त कारण को पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो निमित्त कारण होता है, निमित्त कारण क्या होता है, देखिए निमित्त कारणम तदुच्यते, क्या कहते हैं, निमित्त कारणम तदुच्यते,
कारण को बताते हैं। यन्न समवाय कारणम नाप्य समवाय कारणम। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? यन्न समवाय कारणम नाप्य समवाय कारणम। देखिए क्या बताया विद्यार्थियों कि जो न तो समवाय कारण होता है और ना ही असमवाय कारण होता है किंतु कारण होता है उसको क्या कहते हैं हम? निमित्त कारण कहते हैं। यथा बेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम। यथा बेमादिकम पटस्य निमित्त कारणम। देखिए विद्यार्थियों आपने जब पढ़ा तो आपने तीन प्रकार के कारण पढ़े थे। जैसे हम देखिए दो कारण लेते हैं, एक तो लेते हैं हम घड़ा। ये जो घड़ा है इसकी उत्पत्ति में समवाय कारण तो क्या है? मिट्टी। क्या है समवाय कारण? मिट्टी। और असमवाय कारण क्या है? ये असमवाय कारण है विद्यार्थियों, उसमें जो गुण पाया जाता है जैसे संयोग और निमित्त कारण है। जिसमें कुम्हार भी आ जाएगा, चाक आ जाएगा, डंडा आ जाएगा और गधा। इसी प्रकार से यदि आप पट के बारे में बात करें तो पट का समवाय कारण तो होता है तंतु। पट का असमवाय कारण जिसका होता है तंतु संयोग। और विद्यार्थियों इस पट का निमित्त कारण होता है तुरी बेमादिकम। ठीक है विद्यार्थियों, कि जब आप कारण पढ़ते हैं तो कारण तीन थे, समवाय असमवाय और निमित्त। तो ये जो तीन कारण पढ़े आपने, इन तीनों कारणों में निमित्त कारण पढ़ने, निमित्त कारण तदुच्यते, निमित्त कारण को बताते हैं। यन्न समवाय कारण नापि असमवाय कारण, कि जो ना तो समवाय कारण होता है ना ही असमवाय कारण होता है। अथच कारणम, किंतु कारण होता है। क्या कहा? कि जो ना तो असमवाय कारण है ना असमवाय कारण है किंतु कारण है। यथा वेम आदिकम पटस्य निमित्त कारणम, जैसे वेम आदि पट के निमित्त कारण है। क्या कहते हैं?
यथा बेमादिकं पटस्य निमित्त कारणम्। देखिए विद्यार्थियों, जैसे बेम आदि क्या है, पट के निमित्त कारण है, तो तीन कारण होते हैं संवाय, असंवाय और निमित्त। घड़ा है, घड़ा में जो कारण है तंतु है, पट है, सॉरी डंडा है, कुम्हार है, गधा है, तो इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, जिस कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं हो उसको कहते हैं हम संवाय कारण। और दूसरा बताया, जो कार्य को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करे वह हो गया आपका असंभव कारण। और जो ना संभव कारण हो ना असंभव कारण हो उसको क्या कहेंगे हम, निमित्त कारण। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहते हैं कि तदेतत एतद भावानाम एव त्रिविध कारणम्। भावानाम एव त्रिविध कारणम्, कि जो भाव होते हैं उनके तीनों कारण होते हैं। अभावस्य तु निमित्त मात्रम्। अभावस्य तु निमित्त मात्रम्, और देखिए तस्य क्वचिदपि असंभायात्। तस्य क्वचिदपि असंभायात्। क्या कहा विद्यार्थियों, संवायस्य भाव द्वय धर्मत्वात्। क्या कहा, संवायस्य भाव द्वय धर्मत्वात्। देखिए क्या कहा है कि जो भाव होते हैं त्रिविध कारणम, जिसकी सत्ता होती है उसका तीनों प्रकार का कारण पाया जाता है, और अभावस्य तो निमित्त मात्रमेव, और अभाव का तो जो कारण है वो निमित्त मात्र ही होता है, कि तस्य क्वचिदपि असंभायात्। देखिए क्या कहा है, के कारण केवल भाव पदार्थों का ही होता है। देखिए यह तीन प्रकार का कारण केवल भाव पदार्थों का ही होता है, अभाव का तो केवल निमित्त कारण ही हुआ करता है, क्योंकि अभाव का कहीं भी समवाय संबंध नहीं होता।
और समवाय तो दो पदार्थों का धर्म हुआ करता है। अब देखिए क्या कहते हैं, तद एतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये, तद एतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये, यदेव कथम अपि सातिशयम्, यदेव कथम अपि सातिशयम्, कथम अपि सातिशयम्, तदेव करणम्, तदेव करणम्, तेन व्यवस्थितम् एतत् लक्षणम्, तेन व्यवस्थितम् एतत् लक्षणम्, प्रमाकरणं प्रमाणं, देखिए विद्यार्थियों जो हम अब तक पढ़ रहे थे वह क्या पढ़ रहे थे, हम प्रमाकरणं प्रमाणं इसके विषय में पढ़ रहे थे, और प्रमाकरणं प्रमाणं के विषय में पढ़ रहे थे। तो अब ये जो प्रमाकरणं प्रमाणं है यह जो लक्षण है वह पूर्ण हो जाता है यही कार्य के, तद एतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये, के इन तीन प्रकार के कारणों के बीच में, यदेव कथम अपि सातिशयम्, के यदेव माने जो, कथम अपि कैसे भी, सातिशयम् अतिशयता युक्त होता है, तदेव करणम् वही करण कहलाता है, तेन व्यवस्थितम् एतत् लक्षणम्, और उसके द्वारा यह चीज व्यवस्थित हो जाती है, प्रमाकरणम प्रमाणम, कि प्रमा का जो करण होता है वह प्रमाण कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, कल हम अगले लेक्चर में और पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखिए विद्यार्थियों जो हमने इसमें पढ़ा था वह कौन सी क्लास पढ़ रहे थे, हम एमए प्रीवियस।